गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आज की हमारी डेट है 4/7/2020 और डे कौन सा है? सैटरडे। और हमारी होमवर्क शीट कौन से? 26। तो हम इसमें क्या करेंगे, आज 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द लिखो। तो ये हमारा जो बॉक्स है इसमें हमें 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, 5-5। फिर सेकंड है आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। इस वाले बॉक्स में हमें क्या करना है, आ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। आप 5-6 जितने आपको आते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। मैंने कुछ चित्र बनाए, जैसे यहाँ बनाया मैंने छाता, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? छाता। तो जैसे और पिक्चर्स है उनके आपको नाम लिखने हैं। फिर आ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे नाल लिखा है, नाल कोई वर्ड नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? नाला। क्या लिखते हैं? नाला। ऐसी बदल कोई वर्ड नहीं होता तो आप इसमें आ की मात्रा कहाँ लगाओगे? बदल, बादल। कहाँ पे? बा के बाद। ठीक है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। उसके बाद है हमारी छोटी की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो हम इसमें कैसे पढ़ेंगे? ख, खा पे छोटी की मात्रा खी, द, दा पे छोटी की मात्रा दी, ल, ला पे छोटी की मात्रा ली, च, चा पे छोटी की मात्रा ची। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एकदम से बोल रहे हैं, मतलब हम रुक नहीं रहे हैं और एकदम से। जैसे प पे छोटी की मात्रा पी, ड पे छोटी की मात्रा डी, ह पे छोटी की मात्रा ही, स पे छोटी की मात्रा सी, म पे छोटी की मात्रा मी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ड अ ई की या, डाकिया, प ई त पिता, ही रन हिरन। तो हम कहाँ पे मात्रा लगा रहे हैं? एक पहले। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी करके बोल रहे हैं। तो जैसे है डलिया डलिया, क ईसान किसान, क ईताब किताब, चिड़िया मिठाई सितार। तो अमीन ने इसको क्या किया कि एकदम से बोला और ये हमारी छोटी की मात। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, स ईर सिर, म ईत्र मित्र चित्र, ग ई न गिन, द ई न दिन, द ई ल दिल, म ई ल मिल, ख ई न खिन, ज ई न जिन, घ ई र घिर, फ ई र फिर, स ई र सिर, ग ई र ई गिरी, श ई व ई शिवी, न ई ध ई निधि, व ई ध ई विधि, त ई थ ई तिथि, ख ई ला खिला, द ई या दिया, प ई ला पिला, क ई ला किला, क ई या किया, ज ई या जिया, न ई शा निशा, स ई या र सियार, ग ई ट र गिटार, च ई र ग चिराग, ब ग ई या बगिया, ख ट ई या खटिया, त क ई या तकिया, नारियल नारियल, की श मिश किशमिश, झ ली ल झिल, म ई ल मिल झिलमिल, प ई क पिक, न ई क निक पिकनिक, र ई म रिम झी, झ ई म झिम रिम झिम, साइकिल साइकिल। तो हमने कुछ वर्ड पढ़े छोटी की मात्रा के और हम यहाँ पे अब एक कहानी है उसको पढ़ते हैं। श ई ना वार शनिवार का दिन था, द ई व कर दिवाकर पिकनिक पर गया, नदिया का जल झिलमिल झिलमिल चमक रहा था, चिड़िया आ दाना खा, दिवाकर चादर बिछा, टिकिया रख चिड़िया का चित्र बना, कविता लिख साइकिल पर मित्र आया,
मित्र का नाम अनिल था। अनिल दिवाकर का पत्र लाया। पत्र विमल का था। पत्र पर दिवाकर का पता लिखा था। अनिल फल खा। छलिया मत बन। चिड़िया मत पकड़। चिड़िया का दाना ला। शिकार मत कर। सब पर दया दिखा। सितार बजा। किशमिश खिला। सिर पर मालिश कर। कविता पढ़। जो आपके पिंक कलर से जो वर्ड के पहले जो मात्राएं दिख रही है वो हमारी है छोटी की मात्रा, तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद आपको वर्कशीट करनी है। हमें वर्कशीट में क्या पढ़ना है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। जैसे एक गिलास लिखा है तो आप यहाँ पे गिलास लिखोगे, ये नारियल है तो नारियल लिखोगे, ये किताब है तो किताब लिखेंगे। फिर छोटी की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। अभी हमने कुछ वर्ड पढ़े तो आप देखना कि उसमें ये कुछ वर्ड्स होंगे। जैसे ये लिखा है कला, कला कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या होगा, छोटी की मात्रा यहाँ आ जाएगी तो ये बन जाएगा किला। उसके बाद है गटार, गटार कुछ नहीं होता तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाओगे तो गिटार बन जाएगा। उसके बाद सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये क्या है, साइकिल पर डैश आया। कौन आया, डाकिया। डैश जल भर कर ला। क्या ला, रिमझिम जल भर कर ला। बादल डैश जल बरसा। बादल क्या, साइकिल पर यहाँ पे आएगा आपका कविता जल भर कर ला। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद बादल रिमझिम जल बरसा। उसके बाद डैश का दाना ला, किसका, चिड़िया का। तो आपको ये कंप्लीट करना है और अच्छे से वर्कशीट करनी है और हमें शाम तक भेजनी है। थैंक यू।